हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देंगे, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नान खटाई की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया बनती है ये। इसको मैंने कढ़ाई में बेक किया है। आप इसका कलर देखिए, इसका टेक्स्चर देखिए। बेकिंग में ना सारा गेम जो होता है वो होता है मेज़रमेंट का। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही आसान मेज़रमेंट लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे आपको कप्स में बताने वाली हूँ, ग्राम्स में बताने वाली हूँ, और सबसे आसान मैं आपको चम्मच से बताने वाली हूँ। जो हमारे घर में चम्मच अवेलेबल होते हैं ना, मैं उनसे मेज़रमेंट बताने वाली हूँ आपको, तो जिससे कि आप आराम से मेज़र करके बना सकें और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकें। यहाँ पे देखिए, मैंने एक मेजरिंग स्केल ले लिया है। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप ले लिया है, ये हाफ कप है। ये खाली 25 ग्राम आ रहा है, तो मुझे 100 ग्राम घी लेना है। तो यहाँ पे 125 ग्राम के आसपास मैंने घी ले लिया है। अब इसको मैं स्पून से मेज़र कर रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल मैंने 12 चम्मच घी लिया है। जो ये नॉर्मल स्पून आता है ना, इससे मैंने लिया, और मैंने भर भर के लिया है। तो 12 से 13 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका स्पून थोड़ा सा छोटा या बड़ा है तो उस हिसाब से। तो इससे आपको बहुत आसानी होने वाली है। आप इस चम्मच से नाप लीजिए, अगर मेज़रिंग कप और वेइंग स्केल का झंझट नहीं चाहिए आपको। तो 12 चम्मच घी 100 ग्राम के आसपास रहेगा। अब मैं फिर से यहाँ पे वेइंग मशीन को ऑन कर रही हूँ, और ये सेम कप है, हाफ कप, ये 25 ग्राम का है। तो मैंने इसमें चीनी ली है। मुझे फिर से यहाँ पे 100 ग्राम चीनी चाहिए, तो 125 ग्राम के आसपास मुझे चीनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसको मैं मेज़र कर रही हूँ। कप मेरा भर गया है, तो मैंने एक चम्मच अलग से ले लिया है 125 ग्राम करने के लिए। तो अब मैं घी में चीनी का पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे, तो एक चम्मच तो ये डाल दिया मैंने, बाकी मैं नॉर्मल चम्मच जो है उससे मेज़र कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 चम्मच इससे डाला है मैंने। तो 10 से 11 चीनी का मेज़रमेंट जो हमारा रहेगा, 10 से 11 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और चीनी पाउडर करके लेना है हमें। अब यहाँ पे हमें करना है सबसे मेहनत वाला काम, जो कि इसको विस्क करना है। आपको इसको 3 से 4 मिनट लगातार विस्क करना है, जिससे कि इसका टेक्स्चर एकदम लाइट हो जाएगा। ये देखिए, कलर चेंज हो गया और एकदम ये लाइट हो गया है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो घर में कोई और है, उसको भी पकड़ लीजिए, उससे करवा लीजिए। खाना तो सबको ही है ना, बनाएंगे आप तो खाएगा हर कोई। तो उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद, अब यहाँ पे मैं कढ़ाई को रख रही हूँ गैस पे प्री हीट होने के लिए। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी बेक कर रहे हैं ना, तो उसमें प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है, उसको ढक दिया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और मैंने एक कुकी कटर डाल दिया है। आप कोई छोटा प्लेट या कोई स्टैंड है आपके पास तो वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिर से मेजरिंग स्केल ऑन कर दिया है, और ये जो कप है ये मेरा 3/4 कप है। तो इसका वेट है जो 30 ग्राम आया है, तो मुझे 100 ग्राम मैदा चाहिए। तो मैंने 130 ग्राम मैदा लिया है और इसको नॉर्मल स्पून से मेज़र किया, तो 10 चम्मच मैदा आया है मेरा। तो मैंने बिल्कुल भर भर के लिया है। तो आपके स्पून पे भी डिपेंड करता है और आप कैसे ले रहे हैं। तो 10 से 11 चम्मच ये रहेगा हमारा मैदे का मेज़रमेंट। अब मैंने इसी चम्मच से 3 चम्मच सूजी और 3 चम्मच बेसन डाला है भर भर के। चम्मच को देख लीजिए किस हिसाब से मैंने भरा हुआ है, तो इस हिसाब से इसको डाल लेना है। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एक छोटा चम्मच इलायची को कूट के डाल दिया है। अगर आपको इलायची पसंद है तो डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब मैं यहाँ पे आपको चिटकी से इसका मेजरमेंट बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे डाला है 5 चिटकी। मैंने 1/4 जो टीस्पून सोडा था उसको मैंने 5 चिटकी डाला है। तो ये हाथों पे भी डिपेंड करता है, और आप कितने हिसाब से ले रहे हैं सोडा उस पे भी डिपेंड करता है। तो 5 से 6 चिटकी ये इसका मेज़रमेंट रहेगा। और जो बेकिंग पाउडर है वो मैंने डाला है 3/4 टीस्पून। 3/4 टीस्पून मतलब 1/4 को 3 बार, तो यहाँ पे 15 से 16 पिंच इतना आपको बेकिंग पाउडर डालना है। डालने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से इसको बाइंड कर लेना है, हल्के हाथों से, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, वरना कुकीज़ अच्छी नहीं बनेंगी।
इसको इकट्ठा करने के बाद फिर इसको मैंने रख दिया था 5 मिनट के लिए फ्रिज में। गर्मी बहुत है यहाँ पे इसलिए मैंने रखा, क्योंकि घी मेल्ट हो रहा था। 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रखिए, उसके बाद निकाल लीजिए इसको। छोटे छोटे ऐसे टुकड़े लीजिए और इनको गोल बॉल जैसा बना लीजिए। ये देखिए, प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ही हल्के हाथ से काम करना है। ये जो नान खटाई है ये फूलेगी नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक बेकिंग टिन ले लिया है, केक वाली टिन है, उसमें बटर पेपर लगाया और उसमें ये कुकीज़ मैंने डाल दी हैं। और ऊपर से मैं इनमें काजू लगा रही हूँ, काजू को चॉप कर लिया और हल्का सा लगा के दबा दूंगी, जिससे कि शेप भी नान खटाई का आ जाएगा। आप यहाँ पे बादाम, पिस्ता कुछ भी लगा सकते हैं। और आप केक टिन की जगह कोई प्लेट ले सकते हैं, उस पर सिल्वर फॉइल बिछा लीजिए, उसमें रख दीजिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, तेज बिल्कुल नहीं करना है। इसमें मैंने केक टिन डाल दिया और ढक्कन लगा दिया और इसको 20 मिनट तक हमें बेक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और यहाँ पे बाकी की भी नान खटाई मैंने बना ली है। अब इसको मैं डाल रही हूँ ओवन में 160 डिग्री पे। मैंने इसे 15 मिनट के लिए बेक किया है। यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और ये नान खटाई देखिए कितनी सुंदर बेक हुई है कढ़ाई में। ऊपर से क्रैक्स आ गए हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से बेक हो चुकी है। और ये देखिए मेरे ओवन की नान खटाई है, सेम टू सेम बेक हुई है कढ़ाई में भी, ओवन में भी। और जब ये गर्म है तब आपको इसे नहीं छूना है। अगर आप गर्म में छुएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी और आपको लगेगा कि शायद ये अभी बेक नहीं हुई है और इस चक्कर में आप ओवर बेक कर देंगे इसको। तो आपको क्या करना है कि इसको जब ऊपर से ऐसे क्रैक आ जाए और हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें, तो आपको इसको बाहर निकाल लेना है कढ़ाई से या फिर रोटी जी से, और इसको 1 से 2 घंटे के लिए पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर देखिएगा इसका टेक्स्चर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।